हेलो एवरीवन, मैं बिकॉल आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ईस्टर्न रेलवे की बहुत बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो ईस्टर्न रेलवे की जो सीधी बहाली होने वाली है, सीधी भर्ती होने वाली है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होंगे, डायरेक्ट इसी बहाली होगी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और ये आपको महिला और पुरुष दोनों को ये मौका मिलने वाला है। और इसकी जो टोटल जो पद होंगे वो आपको 50 पद होंगे और इसकी लास्ट जो आवेदन करने की तिथि होगी वो आपको 31 मई 2020 तक जो है आप इसकी अप्लाई का डेट है। और आप 31 मई जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो सैलरी होगी वो आपको 75,000 तक इसकी सैलरी होगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न रेलवे की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके जरिए जो है आप कैसे फॉर्म अपलोड करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसकी फुली डिटेल जो है हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए हम बताएंगे। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी रेलवे व्हाट्सअप इंटरव्यू, जी हाँ दोस्तों, आपको व्हाट्सअप के या फोन के जरिए जो है आपको इंटरव्यू होने वाला। और ये किस किस पद के लिए है, तो 50 नर्सिंग असिस्टेंट और CMP पदों के वैकेंसी के लिए, यानी कि टोटल 50 पद है जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और CMP पदों की वैकेंसी के लिए ये इंटरव्यू होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर GDMO स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार 25 मई से 31 मई 2020 तक, उससे पहले पूर्वी रेलवे की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीफोन इंटरव्यू 2 जून 2020 को आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 25 मई के ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुआ है, 25 मई से आवेदन देना अब स्टार्ट हो गया है और 31 मई तक इसका आवेदन होगा, एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आवेदन करने की जो तिथि है वो 25 मई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 31 मई 2020 है और इसका इंटरव्यू जो तिथि है वो 2 जून 2020 को होगा। और इसके जो इंटरव्यू होगा या तो आपको व्हाट्सएप के जरिए होगा या फिर टेलीफोन के जरिए जो है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। वही हम इसकी पद की बात करते हैं तो सुपरिटेंडेंट यानी कि स्टाफ नर्स की जो पद है वो 40 पद है और CMP की बात करते हैं तो CMP का जो पद है वो 10 पद है। वही पूर्वी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए पात्रता मानदंड सुपरिटेंडेंट स्टाफ नर्स और इसके जो आपको क्वालिफिकेशन की डिमांड पर किया जा रहा है, तो जहाँ पर देखा जा रहा है कि GNM, BSc और MSc नर्सिंग नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो आपको GNM का या BSc का या MSc का जो है नर्सिंग डिग्री जो है होना चाहिए, तभी जो है आप इसको क्वालिफाइड किए जाएंगे, तभी जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और CMP के लिए जो है आपको MBBS या MD मान MCI रजिस्ट्रेशन के साथ जो है, अगर CMP के लिए आप भरते हैं तो आपके पास जो MBBS का डिग्री या फिर MD का डिग्री होना चाहिए, तभी जो है आप ये CMP के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही इसकी आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा जो है इसकी 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है और CMP का जो पद है, CMP की जो आयु सीमा है वो है आपको 53 से लेकर 65 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। वही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। ये जो PDF जो डाउनलोड होगा ये आपको indianrailways.government.in पे होगा और ये कैसे होगा इसको भी मैं बताने वाला हूँ। और जहां तक हम बात करते हैं तो CMP का जो पोस्ट है वो 10 पद है जो कि क्वालिफिकेशंस MBBS या MD आपके पास होना चाहिए और एज लिमिट तो बता ही दिया है कि 53 से लेकर 65 वर्ष तक होना चाहिए। और इसकी सैलरी की बात कर रहे हैं तो इसका सैलरी जो है GDMO के लिए है 75,000 और स्पेशलिस्ट के लिए है 95,000। वही सुपर स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो 1,15,000 करीब इसकी सैलरी होगी। वही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो ये 40 पोस्ट है और ये आपको 20 से 40 ईयर्स होंगे जो कि आपके डिग्री होने चाहिए, आपके पास GNM या BSc या MSc की नर्सिंग की रजिस्टर्ड डिग्री होना चाहिए और इसकी जो सैलरी होगी वो आपको 44,900 प्लस एडमिसेबल अलाउंस भी इसमें ऐड रहेंगे। वही एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST के लिए 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहेंगे और OBC की जो छूट रहेगी वो 3 साल की छूट रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको और भी हम आपको दिखाते चलते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आप ये वेबसाइट देख ये जैसा कि आप मेल आईडी देख पा रहे हैं fightcorona.havara@gmail.com, इसी पे जो है आपको टोटल जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस पे सेंड करने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं द कैंडिडेट मे अप्लाई ऑनलाइन विथ कंप्लीट बायोडाटा एज पर फॉर्मेट डाउनलोड अवेलेबल PDF फाइल ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईस्टर्न रेलवे www.indianrailways.gov.in। इस पे जाना है यानी कि हम इस पे आ गए हैं ईस्टर्न रेलवे पे और उसके बाद जो है सिलेक्ट डिवीजन और उसके बाद हावड़ा सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हावड़ा का सीन दिखाई, हावड़ा पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन होकर
चला आएगा। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको ओपन होकर चला आएगा। और उसके बाद जो है आपको जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है एंड अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ऑल रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ एज क्वालिफिकेशन इट इज इन फॉलोइंग ईमेल आईडी, और जो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इस ईमेल आईडी पे जो है सेंड करने हैं। और आपकी जो हम ये भी बता दिए हैं कि 25 से लेकर 31 तक जो है इसकी अप्लाई का डेट है, और इंटरव्यू जो होगा वो आपको व्हाट्सएप या टेलीफोन के जरिए 2 तारीख को यानी कि 2 जून को होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें जो अपना नाम, हस्बैंड या फादर्स का नेम डालना है, एड्रेस डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेशनलिटी डालना है, ये पूरा डिक्लेरेशन डालकर ये जो आपको पीडीएफ जो है ये कहाँ से डाउनलोड होगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो जैसा कि आप ये साइट देख पा रहे हैं तो इसमें जो है आपको जाना है, जैसे आप जाएंगे तो आपको एक हावड़ा का साइट खोलना है। जैसे आप हावड़ा का साइट खोलते हैं तो उसके बाद जो है आपके सामने जो है एक नया वेबसाइट ओपन होकर चला आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये क्लिक हियर देख रहे हैं, क्लिक हियर पर इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ ये इस प्रकार का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें सारे को फिलअप करने हैं, और फिलअप करने के बाद जो है आपको फिर से जो है इस ईमेल आईडी पे अपलोड कर देने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।